अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील मुस्लिम भागातील विकास कामं रखडलेली असल्यामुळे या भागातील स्थानिक रहिवाशांनी पत्रकार परिषद घेत या रखडलेल्या विकास कामांसंदर्भात खुलासा केलाय। शहरातील मुस्लिम भागामध्ये जे कामं झालेली आहेत ते देखील निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा दावा देखील स्थानिक नागरिकांनी या प्रसंगी करत मुस्लिम भागामध्ये असणारे खाणीचे साम्राज्य असो किंवा विकास कामं याकडे येथील नगरसेवक परिपूर्ण दुर्लक्ष करत असून या सर्व बाबींचा जामनेर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा साधना महाजन आणि उपनगराध्यक्ष महेंद्र बावस्कर यांनी गांभीर्याने विचार करून एकदा स्वतः मुस्लिम भागातील विकास झालेला आहे किंवा नाही याची पाहणी करावी असे आवाहन शेख इरफान खालिद साहब, जलील भाई, सैवाद खान, रफिक शहा यांनी पत्रकार परिषद घेत केले आहे। आज ये जो पत्रकार परिषद ली गई है ये मुस्लिम मोहल्ले में काम के बदल ली गई है। हमारे मोहल्ले में काम नहीं हो रहे, काम बहुत सारे बाकी है इधर, और नगर सेवकों से बोल रहे काम के लिए तो वो भी हमारी कुछ सुन नहीं रहे, जनता की सुन नहीं रहे। ये रोड पे अतिक्रम निकला, गटर तोड़ के 4 महीने हो गए लेकिन उसका कोई ठहराव नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, उसका कुछ काम की अभी तक लाइन नहीं लगी। और ये जो रोड है गांधी चौक से नाके तक, ये पत्रकार परिषद का हमारा बोलने का मकसद ये है कि गांधी चौक से नाके तक जो गटर का और सीमेंट रोड का काम बाकी है इसको चालू करने के लिए हम भाजपा के मंत्री हमारे गिरीश भाव महाजन से विनंती करते कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू करवाओ। दूसरा, वार्ड नंबर 5 में गटरों का और रास्तों का काम बाकी है, इसको भी चालू करवाओ। और गार्डन का काम वो भी रुका पड़ा हुआ है, गार्डन का काम आधा हुआ आधा रुका पड़ा हुआ है। नंबर 3, कब्रिस्तान में 2 साल से साफ़ सफाई नहीं हुई। नगर सेवकों को बार बार हम बोल रहे हैं कब्रिस्तान में साफ़ सफाई कराओ तो वो कुछ साफ़ सफाई कब्रिस्तान में करवा नहीं रहे। बाकायदा इसके लिए निधि आती है सरकार की तरफ से। और उसके बाद में हमारा धार्मिक दरगाह हजरत शाहजहान शाह वली, इनके दरगाह के रास्ते का रोड का काम होकर उद्घाटन हो गए 4 महीने हो गए लेकिन 4 महीने से उद्घाटन होने के बाद रोड का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ वहाँ पर, तो क्यों शुरू नहीं हुआ हमको ये बताया जाए। और उसके बाद में एंग्लो हायर उर्दू हाई स्कूल, जहाँ से छोटे बच्चे स्कूल में जाते आते वो रास्ते का रोड का भी काम बाकी पड़ा है पूरा। और हमारे नगर सेवक बोल रहे हैं मोहल्ले में पूरा काम हो गया लेकिन काम अभी कुछ हुआ नहीं मोहल्ले के अंदर। और वो दावा कर रहे हैं कि 25-0 सीट मेरी डबल से वापस होंगी लेकिन कैसे होंगी जब मोहल्ले में काम नहीं हो रहे। 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए की शहर में निधि आई तो मुस्लिम मोहल्ले में काम क्यों नहीं हो रहे? बच्चों को स्पोर्ट के लिए जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बच्चे भी बार बार हमको आके बोल रहे हैं स्पोर्ट के लिए जगह चाहिए। दरगाह में रास्ते का काम बाकी है, दरगाह के कंपाउंड का पूरा काम बाकी है। हमको जबान दी गई थी कि दरगाह के अंदर कंपाउंड का भी काम किया जाएगा और पूरा विकास का काम किया जाएगा लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं काम के बारे में। इस्लामपुरे में जिम बना के देने की बात हुई थी, इस्लामपुरे में जिम का काम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए हमने पत्रकार परिषद ली। हमारी मांगनी है कि ये सब काम करवाया जाए जो हमने बोला है। ये सीमेंट रोड नाके तक पूरा दोनों साइड का अतिक्रम में जो गटर तोड़ी गई 4 महीने हो गए, लोगों को परेशानी हो रही है, गड्ढा खोदा गया, बीच में एक लड़के का पैर टूटा। यहाँ पर नगर सेवकों को बताया भी गया कि पैर टूटा है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना गटर का काम शुरू हो रहा है ना रोड का काम शुरू हो रहा है। और ये बोला जा रहा है कि शहर में बहुत बहुत ज़ोर से विकास का काम हो रहा है लेकिन हमारे मोहल्ले में मुस्लिम मोहल्ले में बहुत सारे काम बाकी है। हमारे साथ में नगर अध्यक्ष उपनगर अध्यक्ष आएंगे तो हम उनको काम बताते। घरकुल के अंदर कई महीनों तक गंदगी पड़े रह रही, कोई साफ़ सफाई करने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि दीवारों के अंदर गंदा पानी वापस जा रहा है तो वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, बस बहाने बताते। हमने आदमी भेजे थे काम करने के लिए लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है वहाँ पर, सिर्फ झूठे खोखले वादे किए जा रहे, कुछ काम नहीं हो रहा है। हमारी मांगनी है नगर सेवकों से, नगर अध्यक्ष उपनगर अध्यक्ष और शहर के जिम्मेदार नगर सेवकों से, मोहल्ले में फटाफट जितनी जल्दी हो सके वो काम करवाया जाए। और बिस्मिल्ला नगर के अंदर 2 साल से संडास बंद के रेडी पड़ी हुई है लेकिन उसका भी उद्घाटन नहीं हो रहा और उसको भी चालू नहीं किया जा रहा है, वहाँ से भी फ़ोन आ रहे। वार्ड नंबर 3 में एक गली के अंदर रोड का काम बाकी है, छोटी सी गली है, वहाँ भी हमने नगर सेवकों को बताया कि भाई इसका भी काम करो, वो बोल रहे करेंगे लेकिन अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, लोग इनसे परेशान है। और एक निजी नगर परिषद का हॉल, शादी हॉल,
उसको एक नगर सेवक निजी अपने फायदे के लिए वापर रहा है, समाज से उसको कोई लगाव नहीं है, समाज के लिए कुछ फ्री नहीं है। दूसरी जगह कई जगह हॉल फ्री है, लेकिन यहाँ पे एक नगर सेवक अटरमी करके शादी हॉल फ्री में चला रहा है, यहाँ पर निजी फायदे के लिए चला रहा है इसको। तो हमारा कहना ये है साधना महाजन ताई से और हमारे उपनगर अध्यक्ष से कि वो हॉल जो है वो समाज के लिए है, कि आपने नगर सेवकों को दे दिया है पर्सनल कि तुम वापरो, तुम कमाओ, तुम खाओ और तुम रखो इसका पैसा। और नगर परिषद में उसका हॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सीओ साहब से रिकॉर्ड मांगते कोई रिकॉर्ड देते नहीं। और शहर में बहुत सारे काम बाकी है, ये जनता है तुम्हारे घर के सामने, इनसे पूछो, इनके घर के सामने गटर टूटी हुई है, बोलो पूछो इनसे, ये बैठे हैं हमारे मामा, ऐसे बोलो, बोलो बोलो। एक महीने हो गए गटर टूटने को और गटर बहुत खोल है, अगर कोई बच्चा इच्छा गिरा तो उसको जल्दी से बनाने की कोशिश करो। ये इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनका भी लो, इनका भी लो। 4 महीने से टूटी हुई है और बारिश का पानी हुआ तो दुकान में पानी घुस गया था, हाँ एक दो जने गिरे भी उसमें, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। 7.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नगर परिषद है, 23 साल पहले एंड 5 साल वो, और गिरीश बाबू महाजन 5 साल मंत्री रह चुके हैं और यहाँ के नगर सेवकों ने जो भी बोले 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, क्या मुस्लिम मोहल्ले की ऐसी निधि खलास होगी क्या? ये जो रोड आज तुम बैठे हुए, ये रोड 7.5 साल में क्यों नहीं बना? लोगों ने 7.5 साल ऐसे पैसे उछका के चले, गंदगी में चले, क्या ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का? ये विकास है? ये 7.5 साल लोगों को तकलीफ में भुगते उसको उसका जिम्मेदार कौन? वार्ड नंबर 5 में गार्डन के पैसे कब से पास हो गए, क्या हुए, नहीं हुए, कैसा हुआ, वो ऐसी पड़ा काम रुक के पड़ा, ठेकेदार वहाँ काम करने को तैयार नहीं, नगर सेवक कोई बोलने को तैयार नहीं, वो बोलते कि यहाँ बच्चे खेलेंगे, लिफ्ट लगेगा, का कुछ भी नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो गिरीश बाबू महाजन से निवेदन है कि वो काम जल्द से जल्द चालू करने को ना। और जो ये रोड बैठे हुए गांधी चौक से नाके तक, ये अगर ये इसको 100% गिने तो 10% भी काम नहीं हुआ, तो क्या 7.5 साल में 10% भी काम नहीं होगा मुसलमानों का? ये 10% भी काम नहीं, एक चिरोड़ी बना दी है बस 75-76 लाख रुपए की, ये वो भी खराब, उसका कोई निवेदन नहीं, वो साइड का पूरा रोड पड़ा हुआ है, ये साइड का पूरा 75% रोड पड़ा हुआ है, जो लोगों को हमने चुन के दिए वो नहीं बोले तो कौन बोलेंगे? अब वो नहीं बोल रहे थे हमको बोलना पड़ा, आम जनता को। मुस्लिम मोहल्ले में पूरे काम बाकी है, एक दिन हमारे साथ में नाना भाऊ को और साधना महाजन ताई को हमारे साथ में भेजो, हम उनको मोहल्ले के पूरे काम बताते हैं, इधर पर पूरे मोहल्ले के काम बताते हैं उनको, हम काम नहीं हुए मोहल्ले में। बिस्मिल्लाह नगर में शौचालय बनके कब से तैयार होगा और क्यों उसका उद्घाटन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? जब ये लोगों के वास्ते बना है तो फिर क्यों नहीं हो रहा? बहू तो कई बार आते जाते हैं, ऐसा थोड़ी बहुत जरूरी है, साधना ताई उनके हस्ते भी उद्घाटन हो सकता, जब लोगों की सुविधा के वास्ते जो चीज़ बनाए और लोगों को नहीं मिल रहा तो क्या भाई उसको तोड़ डालने को ना? अगर नहीं टूटी बाकी पब्लिक उसको तोड़ के चालू करने वाली है। और मैंने सुना कि वहाँ ट्रक टर्मिनल बनने वाला था, ट्रक टर्मिनल से पहले उन्होंने बोले थे कि यहाँ कोई बनाता है, ये राष्ट्रपति के डैम की बात है, भारत सेठ के डैम की बात है शायद, वो डैम में सबने विरोध करे थे, वो डैम भी विरोध हुआ था, वो डैम बना नहीं। भाऊ ने बोले थे कि जो आएंगे उनको सिंगाड़े मारना, अब कौन आएगा उनको हमने क्या मारना? और अंडे अंडे बोले थे, अंडे भी अब अंडे टमाटर जो भी देखेंगे आप, हम तो मार नहीं सकते, बोल सकते बस, दूसरा क्या है? नहीं, हमारी मांगनी है कि दरगाह का काम, कब्रस्तान का काम, गांधी चौक से नाके तक काम, गटर का काम, मोहल्ले के जो भी विकास के काम है जरा फटाफट करने को बोलो, हमारी ये मांगनी है बस। और घरकुल में जो गंदगी है वहाँ भी साफ सफाई के पूरा काम करने के लिए बोलो। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नाना बाबू बोलते हैं कि यहाँ पर 25 जीरो करेंगे एक नगर सेवक नहीं आने का। मैं नाना बाबू को बोलता क्या तुमने मुस्लिम बोलने से एक नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का चुन के बताना, क्योंकि यहाँ के लोगों को वैसा है कि लोगों ने अरे वैसा काम 7.5 साल जो है यहाँ की पब्लिक ने त्रास भोगती ये नगर सेवकों की वजह से, तो नाना बाबू बोलूँगा कि भाई तुमने मुस्लिम मोहल्ले से एक नगर सेवक चुन के बताना। मोहल्ले में विकास के काम नहीं हुए तो नगर सेवक भाजपा पार्टी के चुन के कहाँ से आएंगे? जब काम करेंगे तो नगर सेवक चुन के देंगे। नाना बाबू बोलते 25 जीरो हो जाएंगे, कहाँ से होंगे? मोहल्ले में विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ,
हमारे धार्मिक कामों पर काम नहीं हुआ, दरगाह में काम नहीं हुआ, कोविड वाले बाबा पे, पाड़ी बाबा पे काम नहीं हुआ, गटरों के काम नहीं हुए, मोहल्ले में काम नहीं हुए। हम बताते उनको काम, कितने काम पड़े इधर मोहल्ले में, खाली झूठे वादे कर रहे हैं। ये जो रोड का काम हुआ, नगर पालिका का इंजीनियर एक दिन भी माल चेक करने को नहीं आया, काम कौन कैसा कर रहा, क्या ये घड़ामुड़ी क्या है। अभी जो गटर का काम चालू है उसमें रेती नहीं है, लेकिन एस्टीमेट में रेती का है, वो कच के अंदर गटर बना रहे, उसमें रेती का इस्तेमाल कहीं भी नहीं है, सब बोकस गटर बन रही है, डुप्लीकेट गटर बन रही है, जबकि उसमें रेती का एस्टीमेट में है लेकिन रेती इस्तेमाल नहीं हो रही कहीं भी, हमारा कहना है। और उसकी जांच बिठाओ, इंजीनियर को भेजो, गटर चेक करने लगाओ, सही बन रही कि गलत बन रही, गटरों को ढाल भी नहीं है, सब ऐसे ही उल्टे सीधे गटर बना दे रहे मोहल्ले के अंदर, और हमारे नगर सेवक भी ध्यान नहीं दे रहे गटरों के ऊपर कि सीधी बन रही है कि टेढ़ी बन रही है, कैसे बन रही है। और कई सारी गटरें तो बाकी है मोहल्ले में, पूरे रोड के काम बाकी है, रास्ते के काम बाकी है, जिम के काम बाकी है, हमारे कब्रिस्तान के साफ सफाई का काम बाकी है, एंगलोर दो हाई स्कूल का रोड का रास्ते का काम बाकी है, और ये सिरमिट रोड का काम आधे में रुक गया, आधा पूरा बाकी है। वो मोहल्ले के लोग घर टूट रहे थे उसको ला के भर्ती कर रहे गड्ढे को, कब से 4-5 साल से 7 साल से तकलीफ उठा रहे मोहल्ले में, गिर रहे पड़ रहे। एक दो लोगों के पैर टूटे उसके अंदर, गटरों के अंदर पैर टूटे। ये जामनेर शहर में विकास का काम मोहल्ले में खास तौर पर पूरे 7.5 साल में बैक साइड की जो गटर है वो अभी तक नहीं बनी। दूसरी ये चीज़ है कि कोई भी विकास का काम होता तो उसके लिए इंजीनियर का एस्टीमेट और इंजीनियर की चेकिंग ज़रूरी है, उसके अंडरटेकिंग में काम होता, मगर यहाँ पर काम अंडरटेकिंग में नहीं होता। सीओ साहब से मैंने खुद ये बारे में 10 बार चर्चा करा, सीओ साहब का लफ्ज कोई बोलने का कोई है ही नहीं, वो कुछ बोलती नहीं है, तो कैसे नगर परिषद चला रहे। प्रशासन का आदमी बैठा है ना वहाँ, चलो नगर अध्यक्ष साहब नहीं रहती वहाँ पर, मैंने सीओ साहब तो है, सीओ साहब कुछ काम नहीं करते। इतनी शहर की व्यवस्था ख़राब है कि कई जगह लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक जगह तो ऐसा है कि स्ट्रीट लाइट है तो बोले बाप मीटर नहीं बैठे, एमएससीबी वाले बोलते, तो ऐसा क्यों? शहर का विकास ऐसा है। हमारे माननीय मिनिस्टर साहब, माननीय मिनिस्टर साहब भी है अभी महाराष्ट्र के, नगर विकास मंत्री साहब है, तो उन्होंने चाहिए कि कैसे शहर बनने होना, और एक तरफा विकास नहीं होता। ये सरासर कोई भी आएगा तो उधर की चौक का और इधर का विकास देखो, ये रियल फैक्ट नज़र आएगा इधर की चौक का और उधर का, क्या है चौक का हाल। यही चाहते हैं कि वह भेदभाव नहीं है काम में, काम अच्छे से अच्छा हो, क्वालिटी कंट्रोल इसको चेक करे। ये माल, ये रोड ऐसा बना है उन्होंने कि पूरे पत्थर दिख रहे, अभी 2 महीने भी नहीं रोड बंद है, और गडरा से तो बहुत परेशान है लोग, गडरा बन नहीं पा रही। हमारे बशीर नगर के कब से एरिया बन गया, बाकी गडर पानी में, और जो बन रही है वो कश में बन रही है ओनली, और लोग बस लोगों की ओर है कि भाई काम अच्छे से अच्छा हो, क्वालिटी का हो, क्योंकि काम एक ही बार कर रहे हो तो कम से कम अच्छा करके दो क्वालिटी का। डिवाइडर तोड़े नहीं तोड़े, वो खैर बात नहीं। बाकी रोड ये भी वन साइड का पास हुआ, इधर का करने का नहीं कर रहे काम हो दोनों साइड का, जबकि उधर चौक में देखो तुम उधर क्वालिटी का काम है, इधर एकदम जीरो काम है लोकल। और ये जो लोगों का अतिक्रम उठा है, गड्ढा बनाने चाहिए, लोगों को बहुत परेशानी हो रही, कोई बच्चों को फलांग नहीं मारते घर में जाने के लिए, तो बस हमारी ये उम्मीद है कि भाई जो काम बताने ये काम हमको उन्हीं को ना, दूसरा कुछ नहीं। बोलो भाई बोल। अरे बोलने लगा आप पकड़ो इसको। हम अगर मोहल्ले के लिए, समाज के लिए अगर विरोध कर रहे तो इधर पे एक नगर सेवक जो है गालियां दे रहा है, अटर्मी कर रहा है, भाव के नाम से लोगों को डराता है, बोलता है कि हम तुमको जेल में भेज देंगे, तार अटका देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, इतनी अटर्मी कर रहा है एक नगर सेवक। तो हमारे भाव से मांगनी है कि आप अपने नगर सेवक को भी दबाओ, जो लोगों ने उनको वोट दिए वो लोगों को गालियाँ दे रहे हो, दादागिरी कर रहे, जरा उनका मुँह दबाने बोलो। भाव से हमारी मांगनी है कि जरा नगर सेवकों को भी बोलो, नाम भाव को मालूम है, काम करने का बोलो जरा उनको, और उनके मुंह दबाने का बोलो। विरोध करने, विरोध का तो संविधान में हक है, संविधान बोलता है कि विरोध करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैडम, लेकिन नगर सेवक गाली दे रहा है इधर, दादागिरी कर रहा है, नाम भी बोलेंगे उसका आने वाले टाइम में, अभी इलेक्शन आएंगे 4-5 महीने बाद उसका नाम भी बोलेंगे, सब बताएंगे उनके बारे में। और हमारी मांगनी एक कि हाजी सैयद करीम हॉल जो है वो नगर परिषद की प्रॉपर्टी है, उसको वापस लेके नगर परिषद में उसकी चाबी जमा करो, वो समाज के लिए है कि नगर सेवक को दिए हो, न तो गिरीश भाव को उसको डिक्लेयर करने के लिए बोलो कि तुमने नगर सेवकों को हॉल चलाने दिए कि समाज को दिए चलाने के लिए,
उसको भी क्लियर करने के लिए बोलो। अब नाना वो बोल रहे 25 जीरो होंगे, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा 25 जीरो कैसे होंगे, मोहल्ले में तो कुछ भी काम नहीं है। नाना बहू को मैं बोलता हूँ कि वो एक घंटा टाइम निकाल के हमारे साथ में आए, हम उनको 25 जीरो ना 50 जीरो करके बताएंगे, लेकिन काम तो करके दो मोहल्ले में, हमारे साथ में घूमो एक बार, हम बताते हैं उनको मोहल्ले में कितना काम बाकी है। इधर पूरे काम पड़े हुए, मोहल्ले के अंदर काम नहीं हुए, और विरोध कर रहे तो नगर सेवक गाली दे रहा है, इधर पे बोलता है विरोध नहीं करने का, बहु मंत्री साहब है जेल में डाल देंगे, छूटेंगे भी नहीं, ऐसा बोलता है हमको, दादागिरी कर रहा है इधर नगर सेवक एक। बताओ आप बहू के सीटा कैसे आएंगे और हम क्या वोट मांगने जाएंगे बहू के तरफ से, लोगों से बोलो। ये हमारे बीजेपी के माजी उपनगर अध्यक्ष है, इनका लो पूछो इनको मोहल्ले में काम हुए के बोलो। नहीं काम तो नहीं हुए अभी, ये जो रोड है तो ये बोधवर नागा, ये मेन रोड है 80 फुट का रोड है जामनेर में, ये रोड पड़े अभी पूरा, ये 15 फुट बना है और बाकी का खाली पड़ा। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।